हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन फ्रेंड्स। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ अबाउट क्लिनिक। सो मैं रिव्यू करूँगी आज इसका, क्लिनिक का ये फोर्टिफाइंग स्किन हाइड्रेटर जो आता है जेल क्रीम फॉर्मूला, एंड इसका मैं रिव्यू करूँगी आज। ये जो है ये है फॉर वेरी ड्राई टू ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए। सो ये मैंने अभी रिसेंटली जब मैंने क्लिनिक का ड्रामेटिकली ऑर्डर करा था तो नायका से मैंने ऑर्डर करा था। सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे खुद के पैसों का परचेज करा वो प्रोडक्ट है, अनदर इन्वेस्टमेंट इन क्लिनिक। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये ड्राई स्किन वालों के लिए, ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, इट्स बेसिकली अ जेल क्रीम फॉर्मूला, ठीक है। और इसके क्लिनिक के बाकी प्रोडक्ट्स की तरह सेम रिव्यूज़ हैं दैट ये 100% फ्रेग्रेंस फ्री है, एलर्जी टेस्टेड है एंड डर्मेटोलॉजिकली डेवलप्ड है। सेम रिव्यूज़ हैं जैसे क्लिनिक के बाकी सारे अदर प्रोडक्ट्स के होते हैं। इट्स जस्ट कि थोड़ा हेवी है, थोड़ा रिच इन टेक्सचर है फॉर ड्राई स्किन के लिए एज कम्पेयर टू दी जेल फॉर्म, तभी वेरी ड्राई टू ड्राई स्किन वालों के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सेम इस पैकेजिंग में आता है ये, 30 ml की पैकेजिंग है जिसका प्राइस है 1650 rupees MRP है। क्लिनिक अभी ये नायका पर डिस्काउंट पे अवेलेबल आई थिंक 1200 कुछ का है 30 ml वाला ही। तो इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है, ये इसके ऊपर ये लिड होती है एंड इसको रिमूव करो तो अंदर ये इस तरह की कैन सी बहुत थिक जेल क्रीम होती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, तो इस तरह की ये जेल क्रीम होती है यू कैन सी, एंड इस तरह से ब्लेंड हो जाती है, ठीक है। ये इस तरह से सिंपल सा मॉइस्चराइज़र है, नथिंग फैंसी। एंड अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसकी एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक मेडिकेटेड सी स्मेल है एज़ कम्पेयर टू दी जेल। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जैसे जेल स्टिकी नहीं है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये बहुत स्टिकी है ऑन स्किन, लाइक यू कैन फील दैट स्टिकीनेस व्हेन यू अप्लाई इट। एंड ये लगाने के बाद फेस मुझे तो अपना बहुत डल सा लगा। आई डोंट नो आपके ऊपर ये किस तरह से वर्क करता है, सूट करता है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ये बहुत डल सा लगा लगाने के बाद, एंड इसका टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं होता है। इट्स सिट्स ऑन द स्किन लाइक क्लिनिक का ड्रामेटिकली डिफरेंट लोशन जिसका मैंने भी रिव्यू करा था, वैसे ही सिट करता है स्किन के ऊपर, कोई इसका टेक्सचर अच्छा नहीं है। इसका टेक्सचर अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो इसका टेक्सचर उससे भी ज़्यादा स्टिकी है और ज़्यादा हैवी ऑन स्किन, ठीक है। मैं मानती हूँ ये फॉर ड्राई टू ड्राई स्किन वालों के लिए, बट ये ब्लेंड ही नहीं होता है ना, इट्स सिट्स ऑन द स्किन। इट्स लाइक कि आपके कोई रैश पड़ा, कोई कट पड़ा ना, आपने उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट या कोई क्रीम लगा ली, तो जैसे वो क्रीम हम लगा कर छोड़ देते हैं ना, तो मैं कोई मोर लाइक अ मास्क और लीव ऑन क्रीम ज़्यादा लगा है देन एन अब्जॉर्बिंग फार्मूला। तो मुझे इसका फार्मूला पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। अगर मैं तीनों में से कंपेयर करूँ तो मुझे मॉइस्चर सर्च अभी तक जो है वो बेटर लगा है इन तीनों के कंपेरिजन में, टेक्सचर वाइज। अब किसकी स्किन पे किसको किस तरह से पसंद आता है वो सबकी पर्सनल चॉइस है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बट मेरे को ये पसंद नहीं आया। अगेन बात करते हैं, लिया तो मैंने भी इसको रिव्यूज़ पढ़कर ही था कि अच्छे होंगे, क्योंकि जो जेल क्रीम का मैंने रिव्यू डाला था तब मैंने मेंशन करा था कि मेरी ड्राई स्किन है और जो मॉइस्चर सर्ज की जो जेल आती है ना उसने मेरी स्किन को कम्प्लीटली हाइड्रेट नहीं करा। सो अगेन मैंने इसको देखा, क्लिनिक की वेबसाइट पे देखा कि ड्राई स्किन के सेक्शन में क्या क्या आता है, तो ये वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, अब नायका पे तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। अब मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ यहाँ किसी को भी, आई डोंट नो वो रिव्यूज़ कहाँ से आते हैं जो हम इतना फैसिनेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि हम इसके अंदर अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, एंड वो हमारी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए तो ज़ीरो ही हो जाती है, मेरे लिए तो ज़ीरो ही है ना, क्योंकि मैं इसको फेस पर लगाने से रही। तो रेस्ट गाइस, अगर किसी को लेना है तो मेरी तरफ से तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, ड्राई स्किन भी है तो सेटाफिल इससे बहुत बेटर वर्क करता है। तो अब सेटाफिल की क्रीम यूज़ करो रादर देन इन्वेस्टिंग इन फॉर दिस वन, कुछ खास नहीं करा इसने। एंड हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी है, फिकन सी और नॉट आई डोंट नो, आई एम हैविंग जस्ट
टाइनी यू नो लिटिल बिट पिम्पल हेयर, आई डोंट नो ये इससे निकला है किससे, बट अ डे बिफोर येस्टरडे मैंने इसी को लगाया था एंड उसके बाद से ही मुझे दिख रहा है, अदरवाइज मुझे कोई पिम्पल्स नहीं निकल रहे थे. तो वी कैन से कि ये मॉनसून की वजह से निकल रहा है, इससे निकला है, आई एम नॉट श्योर, बट येस आई हैव दिस ऑन माई फोरहेड हेयर. सो यही था फ्रेंड्स मेरा वीडियो. मेरी तरफ से आई वुड नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. 1500 वाली, 1650 वाली या 1200 वाली भी इसमें कोई खासियत नहीं है. 1200 में अच्छी खासी आप सेटाफिल की क्रीम ले सकते हो जो आपको महीनों चलेगी, महीनों. 30 ml का प्रोडक्ट है यार, और 1650, इट्स नॉट वर्थ टू इन्वेस्ट इन दिस. आई एम नॉट अगेंस्ट दिस ब्रांड, आई एम जस्ट गिविंग माई ओपिनियन कि मुझे ये कैसा लगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी इन दिस, राइट. So that's all for the video, friends. Till then, bye bye, take care.